नमस्कार दोस्तों, FTR फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम छत्तीसगढ़ GS के जनजातियों का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि CGPSC में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हम जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो इतनी सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती है, तो उनसे रिलेटेड जो भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है या उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी तथ्य है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को छेड़छेड़ा की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, तो आप सभी को छेड़छेड़ा की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है ए भारिया, बी भुंजिया, सी भतरा और डी भैना। जब क्वेश्चन इजी हो जाता है तो उसके ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी जनजातियों के नाम दिए गए सभी के सभी बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये जनजातियाँ कहाँ रहती है, क्या है इनकी विशेषताएँ, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमने लगता है जब ये चारों ऑप्शन हम ऐसे देखते हैं। तो देखिए ये जो लाल बंगला है ना, ये ऑप्शन नंबर बी भुंजिया से रिलेटेड है। भुंजिया जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है जो कि स्पेशली गरियाबंद के क्षेत्र में निवास करती है। भुंजिया का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न, ये स्वयं को भूमि से उत्पन्न मानती है। इनके जो घर होते हैं वो दो चार कमरों के होते हैं और रसोई के लिए पृथक कमरा होता है जिसे लाल रंग से रंगा जाता है। चूंकि ये जो रसोई का कमरा होता है लाल रंग से इसे रंगा जाता है, इसलिए इसे लाल बंगला कहते हैं। इनके रसोई में इनके देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ इनकी ये स्थापना करते हैं जिसे परिवार के व्यक्ति के अलावा कोई और भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भुंजिया जनजाति इसका सही आंसर है, इनके रसोई घर को कहा जाता है लाल बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति के लोग प्राचीन समय में गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे? Which of these tribes used to be ministers of Gond kings in ancient time? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए अगरिया, बी प्रधान, सी परजा और डी हलबा। तो ऊपर की जो तीन जनजातियाँ हैं अगरिया, प्रधान और परजा, ये गोंड की उपजातियाँ हैं या फिर कभी हुआ करती थी, आज के टाइम पे स्वतंत्र जनजाति के रूप में विकसित हो चुकी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रधान जाति। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रधान शब्द का अपभ्रंश है। ये जनजातियाँ जो थी वो गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, उनके पुजारी हुआ करते थे और उनके गाथा वाचक हुआ करते थे। इनके निवास की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, बिलासपुर, रायपुर के एरिया में निवास करते हैं। ये लोग गोंड जनजातियों के गाथा वाचक हुआ करते थे, इसका मतलब ये है कि अपनी गायकी में गोंड राजाओं की प्रशंसा करते थे और मुख्य रूप से किंगरी वाद्य यंत्र बजाते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पंडवानी है उसमें स्पेशली देवार और प्रधान जनजाति की गायकी होती है, तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि इस जनजाति के लोग गाथा वाचक हुआ करते थे और गोंड जनजातियों के प्रधान या मंत्री होने के कारण इन्हें क्या कहा गया था, प्रधान कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधान जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया नाट निम्न में से किस जनजाति नाट्य को कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल फोक ड्रामा इज नोन एज उड़िया नाट? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए माओपाटा, बी भतरा नाट, सी खम्ब स्वांग और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो माओपाटा लोकनाट्य है ये मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, उनका अद्भुत शिकार नृत्य है, जंगली भैंसे के शिकार पर आधारित है ये लोकनाट्य जो है। जो भतरा नाट है ये भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, युद्ध प्रधान होता है ये भतरा नाट। रामायण कथा की बात करें, महाभारत की या पौराणिक आख्यानों की बात करें, उनमें जो युद्ध प्रधान स्टोरी होती है, रावण वध, कंस वध, सीता हरण, तो इस प्रकार से जो युद्ध प्रधान स्टोरी होती है उसे पेश किया जाता है भतरा नाट में, पौराणिक आख्यानों पर आधारित होता है। और ऑप्शन सी है खम्ब स्वांग, ये आदिवासी लोग जो मैदानी क्षेत्र में निवास करते उनके द्वारा ये खम्ब स्वांग किया जाता है। लोकनाट्य कृष्ण लीला पर आधारित होता है ये लोकनाट्य। तो देखिए ये जो भतरा जनजाति के लोग हैं ना, ये बस्तर की सीमा से लगे हुए जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ निवास करते हैं। प्राचीन समय में ये सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण से बस्तर क्षेत्र में आए थे और बस्तर के शासकों ने इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार देकर इन्हें राजकीय मान्यता दी थी।
तो हुआ ये था कि उस समय इस जनजाति के लोग जो है वो सामाजिक दृष्टि से इनको उच्च माना जाता था, और ये यदि क्वेश्चन कभी पूछा गया कि जितनी भी जनजातियाँ उनमें सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान किसका है, तो भतरा जनजाति का। और ये कहाँ से आई है? उड़ीसा से आई है। तो उड़ीसा में इन्हें भोतड़ा कहा जाता है। तो इनका जो नाट्य है वो भी कहाँ से प्रचलित है? उड़ीसा से प्रचलित है। तो चूंकि ये जो लोक नाट्य है वो उड़ीसा से आया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उड़िया नाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भतरा नाट। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़िए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और हमको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का है। तो छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन है 2555,45,198, और इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है 7822,902। परसेंटेज के वे में देखें तो 30.62% होता है, मतलब कि छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या का 30.62% जो पॉपुलेशन है वो किसका है? ट्राइबल्स का है। 100% का एक तिहाई देखें तो लगभग 33% होता है, और ये 30.62% भी उसके आसपास है। लगभग की बात चल रही है, अप्रॉक्सीमेशन की बात चल रही है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजातियों का है। अगला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय लिंगानुपात 989 है। सेक्स रेशो की बात चल रही है, तो इस टोटल जनसंख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन में पुरुषों का पॉपुलेशन है 3873,191, और फीमेल का पॉपुलेशन है 3949,711। यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेल का पॉपुलेशन है वो फीमेल के पॉपुलेशन से कम है, तो जो सेक्स रेशो होगा, लिंगानुपात होगा, वो जो है 100 से ज़्यादा होगा, वो जो है 1000 से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। 989 नहीं है बल्कि 1000 से ज़्यादा होने वाला है। लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो जनजातियों में जो सेक्स रेशो है वो 1020 है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां निवास करती है उसमें प्रति 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं, जो कि क्या शो कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी अंचल की महिलाएं हैं उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, उनके समाज में महिलाओं का महत्व है, उनको प्रतिष्ठा दी जाती है, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी होती है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ की ऐसी विशेष रूप से 5 पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये जनजातियाँ कौन कौन सी है? अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार और बिरहोर। देखिए, क्वेश्चन में अगर ये कहा गया होता कि छत्तीसगढ़ की कितनी ऐसी जनजातियां जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है तो उसमें 7 होता, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी बात चल रही है तो यहाँ पर 5 होगा। जो बाकी 2 जनजातियां हैं, भुंजिया और पंडो, उसे राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो जब छत्तीसगढ़ की बात चलेगी तो 7 हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। देखिए, जो लिस्ट 1 है इसमें कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जो लिस्ट 2 है इसके फीचर्स क्या हैं वो दिया गया है, तो हमें इसे मैच करना है। पहला है बोंगावाद। बोंगावाद क्या होता है? जनजातियों में ये पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर। इसका कोई रूप या आकार नहीं होता, ये सर्वत्र विद्यमान होती है। ये क्या करती है? वर्षा कराती है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बुराइयों को खत्म करती है, रात को इनके सपने में आती है, जो भी आने वाली आपदाएं होती है, विपत्तियां होती है, उनसे इनको सचेत कराती है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स है जो इनके साथ रहती है हमेशा, सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? मैच, पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति 4। दूसरा है देवगुड़ी। जनजातियों के अपने अपने गांव में इनके देवी देवताओं का देवगुड़ी होता है, देवगुड़ी स्थल होता है जहां पर देवी शक्ति जो है वो निवास करती है। तो इसका मैच क्या हो जाएगा? B, 3। देवगुड़ी मतलब देवी का स्थल।
तीसरा है कोची एवं कुंडा मिलान, ये मृतक संस्कार से रिलेटेड है। गोंड जनजातियों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे दिन कोची और दसवें दिन कुंडा मिलान किया जाता है। तो इसका सही मैच हो जाएगा सी का, मृतक संस्कार ए पहला। लास्ट है टैबू। टैबू क्या होता है आदिवासी अंचल में? टैबू एक्चुअली धार्मिक और व्यवहारिक मनाही होता है, रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल प्रोहिबिशन कह सकते हैं। इसका ये बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं। धार्मिक और व्यवहारिक मनाही का मतलब ये, जैसे कि हमारे में ऐसा होता है ना कि जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक कोई और वहाँ उसको काट ना ले उस रास्ते को, तो इस प्रकार से बहुत सारी इनकी मान्यताएं होती हैं जिसका ये क्या करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, टैबू कहा जाता है। जनजाति के लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सभी चीज़ों में विश्वास करते हैं, इसलिए इनकी बहुत सारी अपनी अपनी मान्यताएं होती है जिसे ये बहुत ही कठोरता से पालन करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, टैबू कहते हैं। ये धार्मिक और व्यवहारिक निषेध होता है, मनाही होता है। ठीक, तो डी का मैच हो जाएगा धार्मिक मनाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में ए का मैच 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर चार ऑप्शन दिया गया है, चारों के चारों विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनके निवास स्थल से इनको मैच करना है और क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं हमेशा याद रखिएगा, जल्दीबाजी में भूलिएगा मत कि नहीं पूछा गया है। देखिए अबू झमाड़िया का मैच नारायणपुर, बिरहोर का जांजगीर चांपा, पंडो का सरगुजा और पहाड़ी कोरबा का जशपुर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा मैच नहीं है। जितनी भी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इनके निवास स्थल को देख लेते हैं, तो उसके लिए हम पहले छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बीजापुर और नारायणपुर का एरिया है, यहाँ पर कौन निवास करता है, अबू झमाड़े जनजाति के लोग। मैकल रेंज, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया का जो एरिया है, यहाँ पर मैकल रेंज में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ का जो एरिया है और कोरबा का एरिया भी देख लें, ठीक है कोरबा भी देख लेते हैं, यहाँ पर पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग जो कॉर्नर का हिस्सा है, जशपुर और रायगढ़ का, ये जो कॉर्नर का हिस्सा है ना, यहाँ पर बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो गरियाबंद और आंशिक रूप से धमतरी, यहाँ पर कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं। गरियाबंद और बस्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर भुंजिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। और अंत में बच गया कौन सा, पंडो। पंडो जनजाति के लोग बिलासपुर और सरगुजा के क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ पर पंडो। तो देखिए आप लोग इसी सिक्वेंस में विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम याद रखिएगा, अबू झमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और भुंजिया, पंडो। तो देखिए पूरे क्लॉकवाइज राउंड में जितने भी कॉर्नर का एरिया है, यहाँ पर ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ निवास करती है। पूरे कॉर्नर के छत्तीसगढ़ का जो भी कॉर्नर का एरिया है वहाँ पर ये लोग निवास करती है। सीक्वेंस भी ऐसे क्लॉकवाइज याद रखिएगा, अबू झमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया और पंडो। ठीक है, तो इसका जो मैच होगा वो क्या होगा, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, बिरहोर जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, जशपुर और रायगढ़ के एरिया में निवास करते हैं। कॉर्नर का जो एरिया है उत्तर पूर्वी कॉर्नर के एरिया में निवास करते हैं, जांजगीर चांपा में नहीं। तो इसका सही मैच क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बिरहोर, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन है, धुमकुरिया के 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए पूना जोरवार, बी मजथुरिया जोरवार, सी धांगर और डी धांगर महतो। तो देखिए ये जो धुमकुरिया है एक युवा गृह है जो कि उराव जनजाति का युवा गृह है। उराव जनजाति छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न एरिया है, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, ये वाला जो प्लेस है यहाँ निवास करती है। और इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, धुमकुरिया कहा जाता है। युवा गृह इसका मतलब है युवाओं का गृह। गांव के बीच में या किनारे में एक ऐसा कोई मकान होता है जहाँ पर अविवाहित बालक और बालिकाओं को उराव संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा दी जाती है, इसे ही कहा जाता है युवा गृह। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। जो 13 वर्ष से कम आयु वर्ग के सदस्य हैं उन्हें कहा जाता है पूना जोरवार, जो 13 से 18 आयु वर्ग के सदस्य हैं उन्हें कहा जाता है मजथुरिया जोरवार, और जो 18 से अधिक आयु वर्ग के सदस्य हैं उन्हें कहा जाता है धांगर। इनके जो हेड होते हैं, जो मेल हेड होते हैं, पुरुष हेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है धांगर महतो, और जो फीमेल हेड होती है, जो क्या कह सकते हैं हम,
महिला मुखिया होती है उन्हें कहा जाता है बालकी धांगरीन। ये जो बालकी धांगरीन होती है ये जनरली विधवा होती है। तो इस प्रकार से देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूना जोरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर कौन सा मैच नहीं है ये बताना है। एक तरफ मैरिज सिस्टम के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस मैरिज का नाम दिया गया है। पहला है सामान्य विवाह, सामान्य विवाह के सामने लिखा हुआ है पैडुल। दूसरा है विधवा विवाह, विडो मैरिज, इसमें लिखा गया है अर उतो। तीसरा है लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है तो उसे चढ़ विवाह कहा जाता है, ऐसा लिखा है। और चौथा जो है विनिमय विवाह, इसके सामने लिखा गया है गुरावट विवाह। तो देखिए जो सामान्य विवाह होता है, जब लड़का और लड़की की शादी जो है सामान्य रूप से की जाती है, मतलब उसमें कोई स्पेशल आधार नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैडुल विवाह कहते हैं। जब किसी विधवा का विवाह किया जाता है, मतलब कि विधवा विवाह होता है, तो उसे क्या कहा जाता है आदिवासी अंचल में, अर उतो कहा जाता है। देखिए आदिवासी अंचल में इनकी स्थानीय बोली होती है और ये अपनी अपनी बोलियों में अलग अलग विवाह को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो विधवा विवाह, इसे इन लोग क्या कहते हैं, अर उतो कहते हैं। लड़की जब लड़के के घर बारात लेकर जाती है तो इस विवाह को पठौनी कहा जाता है। और जब देखिए यहाँ पर क्या था, फीमेल जो है जब मेल के घर बारात लेकर जाती है तो इसे क्या कहते हैं, पठौनी कहते हैं। लेकिन जब मेल फीमेल के घर बारात लेकर जाता है तो इसे कहा जाता है चढ़ विवाह। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग है। और डी में लिखा गया है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह में क्या होता है, ये दो परिवारों के मध्य विवाह होता है। इसमें क्या होता है कि एक परिवार, ये फर्स्ट फैमिली है और ये सेकेंड फैमिली है, तो एक परिवार के लड़के की शादी दूसरे परिवार के लड़की से कर दी जाती है और दूसरे परिवार के लड़के की शादी पहले परिवार के लड़की से कर दी जाती है। तो इस प्रकार से विनिमय होता है लड़का और लड़की का, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विनिमय विवाह कहा जाता है। इसमें पारिंग धन नहीं देना पड़ता, पारिंग धन मतलब वधु मूल्य। जब भी आदिवासी अंचल में वर और वधु पक्ष की शादी होती है तो इनमें ऐसा प्रचलन है कि वर को कुछ अमाउंट देना पड़ता है, पैसा या फिर पशु देने पड़ते हैं वधु से शादी करने के लिए। इसे क्या कहा जाता है, वधु मूल्य कहा जाता है। तो इस विवाह में पारिंग धन नहीं देना पड़ता है। मैदानी क्षेत्र में इसे गुरावट विवाह कहते हैं और जो बिरहोर जनजाति है इसमें इसे गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है तो इसे चढ़ विवाह नहीं बल्कि पठौनी विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल का प्रमुख वाद्य कौन सा है, विच इज द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ घोटुल। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए टुड़की, बी गड़वा बाजा, सी मांदर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है गड़वा बाजा, ये गड़वा जनजाति से आया है। गड़वा जनजाति के लोग अपने नृत्य में मुख्य रूप से गड़वा बाजा का प्रयोग करते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है मांदर, ये मुरिया जनजाति का युवा गृह है घोटुल, उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखिए ये मुरिया जनजाति के लोग जितनी भी जनजातियां हैं उसकी अपेक्षा में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मानी जाती है और इनके घोटुल में बहुत प्रकार के नृत्य और गीत गाए जाते हैं जहां पर मुख्य रूप से मांदर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये जो मांदर होता है ये कास्ट का बना खोखला गोलाकार ढांचा होता है जिसका राइट साइड का मुख छोटा होता है और लेफ्ट साइड का मुख थोड़ा बड़ा होता है। ये दोनों जो मुख होते हैं इसे बकरे के खाल से मढ़ा जाता है और जो राइट साइड का छोटा मुख होता है उसमें विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है ताकि ये जो मांदर की आवाज़ है वो गूंजदार हो। और जो ऊपर की सतह होती है उसको रस्सी से खींचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा आपको मांदर का, इस प्रकार से दिखता है ये मांदर। इसके जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो रस्सी की सहायता से अपने गले में इसे डालकर क्या करते हैं, बजाते हैं। तो जो मुरिया जनजाति का युवा गृह घोटुल उसमें एक नृत्य किया जाता है मांदरी नृत्य, जिसमें स्पेशली मांदर बजा के इस डांस को किया जाता है। बहुत ही आकर्षक होता है ये जो नृत्य होता है। और इस नृत्य की खास बात यह है कि इसमें मांदर बजाया जाता है और किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। तो मांदर की थाप में ही ये जो डांस है वो किया जाता है। इसे मेन डांस ऑफ घोटुल कहा जाता है, जो मांदर नृत्य है उसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मांदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करे सूची वन और सूची वन। लिस्ट वन में मैरिज सिस्टम का नाम दिया गया है और जो लिस्ट टू है वो मैरिज कैसे किया जाता है उसके प्रोसेस को बताया गया है। तो देखिए लिस्ट वन में सबसे पहला नाम है गुरावट का। गुरावट मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो गुरावट विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विनिमय विवाह को गुरावट विवाह कहा जाता है। तो ए का मैच क्या हो जाएगा, टू।
क्या बताया था मैंने कि दो परिवारों के मध्य विवाह होता है, एक परिवार के लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से कर दी जाती है और दूसरे परिवार के लड़के की शादी पहले परिवार की लड़की से कर दी जाती है। इसमें पारिंग धन नहीं देना पड़ता और मैदानी क्षेत्र में इस विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है, गुरावट कहा जाता है। दूसरा है उड़ियत्ता और तीसरा है बिघेर। तो ये जो उड़ियत्ता और बिघेर विवाह है ये अबूझ हमारे जनजातियों में प्रचलित है। उड़ियत्ता का मतलब होता है घर में घुसकर विवाह करना और बिघेर का मतलब होता है घर से भागकर विवाह करना। बिघेर मतलब कि बाहर जाके भागकर विवाह करना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा ट्रिक से। तो बी का मैच क्या हो जाएगा, घर में घुसकर, तो बी का मैच होगा 4 और सी का मैच होगा घर से भागकर 1। अंतिम है खोड़नी विवाह। खोड़नी विवाह पुनर्विवाह को कहा जाता है। बैगा जनजातियों में जो भी पुनर्विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, खोड़नी विवाह कहते हैं। तो चौथे का मैच क्या हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें पहले का मैच 3 है, दूसरे का मैच 4 है, पहले का मैच 3, दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और चौथे का 3। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरिया जनजाति में पूस कोलांग नृत्य कौन करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए पुरुष, बी स्त्रियां, सी बच्चे और डी पुरुष एवं स्त्रियां। तो इसका सही आंसर है पुरुषों के द्वारा मुरिया जनजातियों में पूस कोलांग नृत्य को किया जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में कि पूस कोलांग नृत्य होता क्या है। तो देखिए ये जो पूस कोलांग शब्द है इससे ही इस नृत्य के बारे में हमें पता चलता है। पूस का मतलब होता है पौष और कोलांग शब्द की उत्पत्ति कोला से हुई है जिसका मतलब होता है लाठी। उत्तर बस्तर कांकेर का जो एरिया है जहाँ पर गोंड मुरिया जनजाति के लोग रहते हैं उन लोगों के द्वारा धवाई वृक्ष से बनी लकड़ी को यूज़ करके इस डांस को किया जाता है। कब किया जाता है, पौष के महीने में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूस कोलांग नृत्य कहा जाता है। देखिए क्या होता है, ये वही समय है पौष का महीना जहाँ पर ठंडी बढ़ती चली जा रही है और धान की कटाई का समय हो चुका है। तो इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, जो भी घोटुल का नेता होता है या गांव का ऐसा बड़ा सदस्य जो इस नृत्य को लीड करते रहता है वो क्या करता है कि वो अपना एक ग्रुप बनाता है जहाँ पर उसको लीड करता रहता है उस डांस में और बाकी सारे लोग जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो पहले वो एक ग्रुप बनाता है और ये लोग डेली इस डांस की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, घोटुल में करते हैं। डेली लोग इस डांस की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि जब ये दूसरे गांव में जाकर इस डांस को करे तो किसी भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर पूस कोलांग डांस करते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो इसका परिणाम जो होता है वह बुरा होता है। इनके संबंधित किसी व्यक्ति की बीमारी हो सकती है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, इनकी ऐसी मान्यताएं हैं। तो लोग क्या करते हैं कि पहले इस डांस की प्रैक्टिस करते हैं घोटुल में। जब ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये जो धवई वृक्ष से बनी लाठी होती है इसका प्रयोग नहीं करते प्रैक्टिस के दौरान, जब ये किसी गांव में जाकर डांस करते हैं तब उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर बहुत सारी टोली होती है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो लोग अलग अलग गाँव में जाके पूस कोलांग का डांस करते हैं। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है ये कब तक चलता है, पौष पूर्णिमा तक चलता है। पौष पूर्णिमा की रात्रि तक ये जितने भी लोग होते हैं ये अपने गाँव वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से धवाई वृक्ष से बनी लाठी को पकड़ के ग्रुप में इस डांस को किया जाता है पौष के माह में, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, पूस कोलांग नृत्य कहा जाता है। इसमें विशेष प्रकार के करतब भी दिखाए जाते हैं, बहुत ही आकर्षक होता है ये डांस, आज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कांकेर का जो एरिया है वहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास नहीं करती है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है नहीं करती है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है ए अंध, बी धनवार, सी परजा और डी उराव। तो कभी कभी जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी जनजाति नहीं निवास करती है तो कौन सी कहाँ निवास करती है यही देख लेना चाहिए। जैसे कि उराव जनजाति बहुत कॉमन है, नॉर्दर्न एरिया में निवास करती है, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा, रायगढ़, जशपुर का जो एरिया है, बलरामपुर का एरिया है, वहाँ पर ये निवास करती है, तो ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी परजा, परजा जनजाति उड़ीसा से आई हुई है, बस्तर के क्षेत्र में निवास करती है, इन्हें बस्तर में धुरवा कहा जाता है। और धनवार जनजाति जो है वो बिलासपुर के एरिया में निवास करती है, बिलासपुर का जो आसपास का क्षेत्र है, बिलासपुर जिला है, वहाँ निवास करती है, धनुष बाढ़ निर्माण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, धनवार कहा जाता है। और अंध जनजाति ये बस्तर में निवास करती है, एक्चुअली महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पर ये निवास करती है, आंध्र प्रदेश में अनार्य कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया कि अंध जो है वो कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है, परजा जो है वो भी बस्तर में निवास करती है, अंध परजा
ये दोनों जनजातियाँ जो हैं वो कहाँ निवास करती है, बस्तर में निवास करती है। तो बची कौन कौन सी जनजातियाँ, धनवार और उराव। तो धनवार जो है वो बिलासपुर के एरिया में निवास करती है, मतलब लेफ्ट कॉर्नर पे, और उराव जनजाति जो है वो नॉर्दर्न एरिया में निवास करती है। तो ये दोनों जनजातियाँ बी और डी वाली जो जनजातियाँ हैं ये निवास नहीं करती बस्तर के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ फीचर्स लिखे गए हैं, और यहाँ पर कौन कौन सा फेस्टिवल है देखिए, ए सरहुल, बी बीज बोहनी, सी नवाखानी और डी धनकुल। तो आइए चारों फेस्टिवल को समझते हैं और जानते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरहुल की। सरहुल जो त्यौहार है ये उराव जनजाति का अनुष्ठानिक पर्व है। उराव जनजाति कहाँ निवास करती है, कोरबा, जशपुर, सरगुजा का ये जो एरिया है यहाँ पर इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी जो आराध्या देवी है सरना देवी, इनका ऐसा मानना है कि ये साल वृक्ष पर निवास करती है और चैत्र के माह में साल वृक्ष में फूल खिलने पर चैत्र पूर्णिमा को सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है और सरना देवी की पूजा की जाती है। जब ये सरहुल का त्यौहार मनाते हैं तो सरहुल नृत्य भी करते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, सरना स्थल पे जाते हैं और अच्छी फसल की कामना के लिए सरना देवी की पूजा करते हैं। वहाँ पर भोग का आयोजन किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ पर सरहुल नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका सही मैच क्या हो जाएगा, पहला का साल वृक्ष में फूल उगने पर, तो ए का मैच क्या होगा, 4। नेक्स्ट है बीज बोहनी। बीज बोहनी का जो फेस्टिवल है वो कोरवा जनजाति के द्वारा बीज बोने से पहले मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना के लिए ये लोग क्या करते हैं, जब ये खेतों में बीज बोते हैं उससे पहले क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो बी का सही मैच होगा, कृषि के दौरान आयोजित, बी का 3। तीसरा है नवाखानी। नवाखानी का क्या मतलब होता है, नवाखानी का मतलब होता है नया, खानी खाना से आया है, मतलब अन्न। तो नए अन्न को, नई फसल को उपयोग करने से पहले भादो माह में शुक्ल पक्ष से लेके पूर्णिमा तक गोंड जनजातियों के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। मैंने क्या कहा, नवाखानी शब्द का अभिप्राय क्या है, नया अन्न। तो भादो माह मतलब कि अगस्त या सितंबर का महीना होता है। इस समय जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं, जो भी नई फसल होती है खेतों में उसे यूज़ करने से पहले ये क्या करते हैं, जो भी इनके ग्राम देवी देवता होते हैं, इनके जो कुल देवा, जो उनके कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको इस नई फसल को अर्पित करते हैं और उसके बाद इसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो ग्राम देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनको धान की बालियां अर्पित की जाती है, उनको धन्यवाद कहा जाता है और उसके बाद इस जो नई फसल होती है उसे ये लोग उपयोग करते हैं। तो नवाखानी कब मनाया जाता है, भादो माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक। तो नवाखानी का सही मैच क्या होगा, नई फसल आने पर आयोजन, सी का मैच हो जाएगा, 2। फोर्थ है धनकुल। देखिए धनकुल जो है गीत भी होता है, त्यौहार भी होता है। क्या होता है, हल्बी और भत्री परिवेश में धनकुल गीत गाया जाता है। धनकुल एक्चुअली एक वाद्य यंत्र है, मटकी सूपे और धनुष से बना हुआ। ये जो पर्व होता है, ये जो गीत होता है, इसमें इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो गुरु माई इस वाद्य यंत्र को बजाती है, इसलिए इसे धनकुल भी कहा जाता है, धनकुल त्यौहार कहा जाता है। एक्चुअली ये जगार होता है, बस्तर अंचल का सांस्कृतिक जागरण होता है। बस्तर अंचल का जो भी सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन कह सकते हैं हम इसे, जहां पर बस्तर की संस्कृति, उसके सामाजिक परिवेश, उसकी धार्मिकता और पौराणिक आख्यानों को यहां पर पेश किया जाता है। क्या होता है, दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है और जो दो गुरु माएं होती है वो इस धनकुल वाद्य यंत्र को बजाकर गीत गाती है, जो कि हिंदू देवी देवता पर केंद्रित होता है, उनकी स्टोरीज होती है। 4 अवसरों पर इस जगार का आयोजन किया जाता है, 8 तीजा, लक्ष्मी और बाली। 8 जगार, तीजा जगार, बाली जगार और लक्ष्मी जगार। इसका मतलब क्या होता है, 8 मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब इस जगार का आयोजन किया जाता है तो इसे 8 जगार कहते हैं।
तीजा के अवसर पर जब इस जगार का आयोजन किया जाता है तो इसे तीजा जगार कहते हैं। लक्ष्मी मतलब कि दिवाली का अवसर होता है जब बस्तर क्षेत्र में दियारी मनाया जाता है, तो धान की बाली को लोग लक्ष्मी मानते हैं और माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करते हैं, उनका विवाह करते हैं। तो इस अवसर पर जब जगार का आयोजन किया जाता है तो उसे लक्ष्मी जगार कहते हैं, और धान की बाली आने पर जो जगार का आयोजन किया जाता है उसे बाली जगार कहते हैं। तो इसका सही मैच क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का सही मैच होगा 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए 4, 3, 2, 1, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किताब वेरियल एल्विन के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं लिखा गया है, ये बताना है, लिखा गया ये नहीं बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर द बैगास, द अगरिया, द कमार, द गौर। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये जितने भी ऑप्शंस है। तो अगर आप वेरियल एल्विन के बारे में जानते होंगे तो इसका आंसर दे सकते हो इजीली से, आसानी से दे सकते हो। वेरियल एल्विन जो हैं वो ब्रिटिश थे, वो बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट और ट्राइबल एक्टिविस्ट थे। ये जो भारत का मध्य पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ये रिसर्च के मोड पे आए थे। इन्होंने बैगा जनजाति और गोंड जनजाति के ऊपर रिसर्च किया है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी किताब लिखे हैं। जो इनके फेमस बुक्स हैं वो कौन कौन से हैं, द अगरिया गोंड ट्राइब से रिलेटेड है, द गौर माड़िया जनजाति से रिलेटेड है, द बैगास बैगा जनजाति से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोंड और बैगा जनजाति के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, तो ये तीनों किताब इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने द मुरिया एंड देयर घोटुल लिखा है। तो इस प्रकार से ये सारी किताबें वेरियर एल्विन की है। द कमार जो है वो श्यामा चरण दुबे ने लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द कमार। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डील किए, मैंने कोशिश की है कि एक क्वेश्चन के ऊपर मैं बहुत सारे आपको थ्योरी बता सकूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसके थ्रू। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो जनजाति से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी परख सकते हैं कि कैसे की तैयारी चल रही है और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।